में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा रही है जो हमारी 75वीं 15 अगस्त होगी। और इसका जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो आज से शुरू होने वाला है 11 से 17 अगस्त तक स्वाधीनता सप्ताह का, जिसके मुख्य उद्देश्य दो हैं कि हर घर पे तिरंगा झंडा लहरे। तो मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगी कि ना सिर्फ सरकारी बिल्डिंगों पे, आपके निजी घर पे, दुकानों पे, जो भी आपके आसपास बिल्डिंग है वहाँ पे 15 अगस्त के पहले पहले झंडा लग जाए, किंतु आपको ये ध्यान रखना है कि झंडा संहिता का अनुपालन हो और सम्मान पूर्वक झंडा फहराया जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैंने बच्चों का उत्साह देख करके मुझे जो खुशी हुई है, और मैं बस ये चाहती हूँ कि ये उत्साह पूरे सप्ताह भर आप लोग दिखाएं और 17 अगस्त तक ये उत्साह बना रहे। और हर कार्यक्रम ABSC महोदय ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, उसका आप लोग तो आज ही नहीं, आज पहला दिन है, आज उत्साह रहेगा, मगर ये उत्साह मैं चाहती हूँ हर दिन दिखे। और हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, हमारे तरफ से भी और सीओ साहब की तरफ से भी, हम लोग जिस भी कार्यक्रम में समय निकाल कर हो सके तो आएंगे। तो आप लोग बढ़ चढ़ कर इसके हिस्सा लीजिए, और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक बार इन बच्चों के लिए खूब जोरदार तालियां बजाएं। आज उन्होंने सुबह उठ के इतना लंबा चला है। और मैं आप शिक्षा विभाग के शिक्षकों से, अधिकारियों से ये अनुरोध करती हूँ कि इस एक सप्ताह में आप अपने बच्चों को ये भी बताइए, विद्यार्थियों को ये बताइए कि हमारे लिए स्वाधीनता क्या है और हमने इसे कैसे पाया है। बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं, बहुत सारे ऐसे वीर हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आप इन किताबों को बच्चों को दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कराइए, अपने लाइब्रेरी में रखवाइए, ताकि बच्चे जो हैं ये जाने कि हमने कैसे स्वाधीनता पाई है। क्योंकि धीरे धीरे अब हमारी वो जो पीढ़ी आ रही है वो धीरे धीरे वो जो हमने स्ट्रगल किया है वो भूल गए थी शायद। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को आप बताएं कि हमारा अतीत कैसा था और हमने अतीत में कितना स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष किया, और तब हम आज यहाँ आके खड़े हैं कि हम 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। और आज हम एक ऐसे टाइम पे खड़े हैं, एक ऐसे समय पे खड़े हैं कि हमारा देश जो है वो विश्व के प्रगतिशील देशों में गिना जा रहा है। इसी के साथ मैं भारत माता की जय।
वंदे मातरम वंदे मातरम। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आजादी का अमृत महोत्सव एक सप्ताह का है जो आज से प्रारंभ हुआ है। आज 11 से लेकर 17 तक प्रत्येक दिन अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रोग्राम पहले से ही निर्धारित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा। मैं अभी देख रहा हूं हमारे प्रांगण में ही ये 9 बजे से शुरुआत हो गई है। हमारी जितनी सरकारी बिल्डिंग है या पब्लिक के हैं सभी घरों पर 9 बजे के बाद ये झंडे लग जाने चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा इस परिसर में भी झंडे लग जाएं। शासन ने इस झंडे के लिए अभी मास्टर बता रहे थे विशेष संशोधन किया है। पब्लिक के लिए जो झंडा लगा रहे हैं रात को भी लगा सकते हैं, इसका अपमान नहीं है। ये अभी परसों संशोधन होकर के आदेश आ गया है। जनता को देखते हुए कि 7 सप्ताह अपने घरों पर झंडा 24 घंटे लगा के रख सकते हैं, इसमें कोई अनियमितता नहीं है। आपका जब भी प्रोग्राम चलेगा मेरी आवश्यकता मेरी फोर्स की होगी। हमारी सर्किल की पूरी फोर्स केवल मोहम्मदाबाद ही नहीं शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी हमारे भावरपुर तरमुद्दीनपुर परिसर अगर कहीं आप प्रोग्राम करते हैं तो मैं वहां की फोर्स आपके साथ कर दूंगा। मैं बता भी दिया हूं अगर आप बात करेंगे तो सभी आपके साथ रहेंगे। हर समय मैं आपके साथ हूं। हम एसडीएम साहब दोनों में एक साथ रहेंगे और इस प्रोग्राम को मैं चाहता हूं जनपद में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं कम से कम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग नंबर 1 पर पहुंच जाएं। धन्यवाद। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदाबाद के प्रांगण में उपस्थित आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में परम आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपके नेतृत्व में हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों हमारे शिक्षकों और इस कार्यक्रम में सम्मिलित पुलिस विभाग के हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय के नेतृत्व में समस्त विभागों के सहयोग से यहाँ मंच आसीन परम आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय और गढ़ती दक्षता को विकसित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। ये प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक नामित किए गए हैं जिनको नोडल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। हर विद्यालय में संचालित हो रहा है और इसको जन आंदोलन के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आज की आजादी के साप्ताहिक समारोह के शुभारंभ पर बच्चों द्वारा भ्रमण किया गया है झंडे के साथ। ये घर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रयास किया गया है जन जागरूकता के लिए कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगे की आचार संहिता का पालन करते हुए सभी लोग अपने घरों पर तिरंगे को फहराएंगे और आजादी के उत्सव को मनाएंगे। आज ये इस कार्यक्रम में हमारे समस्त उपस्थित हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए समस्त अधिकारियों पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी पुलिस विभाग के कांस्टेबल इंस्पेक्टर साहब सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आधुनिक इतिहास से अपना परास्नातक करने के बाद रिसर्च होल्डर में अपना नॉमिनेशन कराए थे तो बड़ा गौरव की अनुभूति होती थी कि जिसके अध्यक्षता में पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे महासचिव हुआ करते थे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव इस मोहम्मदाबाद के हाथी को मिला था। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए 18 अगस्त 1942 को
डॉक्टर सुभूषण राय के नेतृत्व में उन अमर शहीदों का जत्था, वो बलिदानी जत्था जब अगस्त के महीने में रोवा मेरा खड़ा हो गया है, बस सुन करके और उसको ले करके जब निकला था कि जब तक हम यूनियन जैक को हटा करके और इस तिरंगे को फहरा करके नहीं आएंगे, फिर वापस अपने गांव हम वापस लौट करके नहीं आएंगे। ऐसे वीर शहीदों की धरती पर मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं अपने लोकप्रिय उप जिलाधिकारी महोदय का, आदरणीय क्षेत्र अधिकारी महोदय का, आदरणीय ईओ सर का, आदरणीय तहसीलदार सर का, आदरणीय इंस्पेक्टर सर का और आदरणीय एसओ सर का। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बनों के हाथ पर आसार डाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से काटा निकाल कर देखो। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं अपने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को।